मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो नाउ इन वर्कशीट 5 टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? 6 इज द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 625 फॉर 1433 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. ये क्वेश्चन मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, सेम. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सीधी सीधी बात है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? एच सी एफ विच विल डिवाइड 625 एंड 1433 लिविंग रिमाइंडर. अब वही बात है, सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर को ही रिमूव करना है, एक 5 और 3. तो पहले दोनों में 5 था ना, अब इसमें थोड़ा चेंज है. पहला क्वेश्चन क्या है, 625, इसमें से किसको माइनस करना है? पहला था रिमाइंडर 5 माइनस 5, तो बन गया कितना, 620. दूसरा कितना है, 1433, इसमें से किसको रिमूव करना है, एंड 3. इन्होंने बोला मेरा बेटा जो पहला नंबर था उसमें से आपने किसको रिमूव करना था, 5 को, और दूसरे में से 3 को. बोला था कि जब हम 625 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है, और जब 1433 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, 3. तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले हम किसको हटा देंगे, रिमाइंडर को ही हटाएंगे, क्लियर है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए. तो हमने रिमाइंडर को रिमूव कर दिया है, तो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे. तो देयर फोर एस सी एफ ऑफ 620 एंड 1430, क्लियर है. अब दोनों में बड़ा कौन है, 1430 और डिवाइड बाय 620, क्लियर, ठीक है मेरा बेटा. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेंगे, ले ले फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट क्या आ गया, 1, पर लेकिन 1 तो 6 से छोटा हो गया है ना, तो मैंने इसके साथ किसको जोड़ लिया, 4 को, तो कितना बन गया, 14. अब मैं 6 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे 14 ना मिल जाए. तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 तो बड़ा हो रहा है, तो कितने से गया ये गया 2 से, तो 6 2 12, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, 620 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 620 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1240 आ गया, करेक्ट. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 माइनस 0 कैरी किया, 13 माइनस 4 कितना आता है, 13 माइनस 4 कितना आ गया मेरे बेटा, 9, और 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1, और 1 माइनस 1 0, करेक्ट. अब ये आ गया मेरे पास है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, तो इसको बना लेंगे हम डिवाइज़र, और सेंटर में आ गया 620, करेक्ट. अब यहाँ से फर्स्ट डिजिट और यहाँ से फर्स्ट डिजिट, तो 1 का टेबल हमने 6 तक बोला, तो कितना आ गया, 1 6 6 है, पर लेकिन जब मैंने इसको सच से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये हो गया बड़ा. तो ये अब कितने से जाएगा, हम चेक कर लेते हैं, पहले 2 से फिर हम 3 से. जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 190 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 303 39 27, 2 कैरी, 3 प्लस 2 570, करेक्ट. तो मीन्स ये कितने से गया, 3 से, तो आ गया 570 माइनस 0 माइनस 0 0, कैरी करेंगे 12 माइनस 7 कितना होता है, 5, और 5 माइनस 5 0, करेक्ट. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको बना दिया डिवाइजर और ये नंबर आ जाएगा सेंटर में, राइट. अब हमने 5 का 5 और यहाँ से 1, पर 1 तो छोटा हो गया, तो ले देंगे 94. तो 5 का टेबल तब तक जब तक मुझे 19 ना मिल जाए, तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 20 तो बड़ा हो गया, तो उससे एक स्टेप पहले, तो 5 3 15, तो ये आ गया 150 माइनस 0, 9 माइनस 5 4 0, करेक्ट. अब अभी भी मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये बन जाएगा डिवाइजर और ये आ जाएगा सेंटर में, क्लियर. अब मैंने 40 का टेबल तब तक बोलना, जो 50 है, 41 40, तो 0 1, क्लियर, 10. अब फिर से अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये बन गया डिवाइजर और सेंटर में कौन आ गया, 40, तो 10 4 40. तो किसके पास पावर थी, जिसने इसको 0 किया, तो किसने इसको 0 किया, 10 ने. तो देयर फोर ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास मेरा बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 10. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया, राइट. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर कितना है, 8.25 मीटर, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर. डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप. अब वही बात है, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट या हाइएस्ट,
सीधी सीधी बात है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो पहले ही क्लियर हो गया कि इसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है। विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, हमने बतानी है कि कितनी लंबी हमें टेप चाहिए जो इसके डायमेंशन को इजिली मेजर कर सके। अब सीधा मैंने पहले क्लियर था लॉन्गेस्ट हाइएस्ट ग्रेटेस्ट, तो सीधी बात है हमने HCF फाइंड आउट करना है। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट, अब ऑब्वियसली जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट तो बनती है। तो पहले आ जाएगी लेंथ ऑफ ए रूम, कितने लेंथ ऑफ ए रूम, 8.25 मीटर, ये लेंथ आ गई। फिर दूसरा क्या है, ब्रेथ ऑफ ए रूम, ब्रेथ ऑफ ए रूम कितनी है, 6.75 मीटर। फिर आ जाएगा हाइट ऑफ रूम, यस हाइट ऑफ ए रूम कितना आ गया, 4.50 मीटर। क्लियर। अब मेरा बेटा आपको पता है कि जो डेसिमल होता है उसको डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना, पहले डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब 825, इसका जब मैंने पॉइंट हटाया तो पॉइंट का लग गया 1, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2, टू डिजिट है तो 20 मीटर। सेम अगला भी, इसको भी जब मैंने डिवाइड किया 675/100, और जब इसको भी डिवाइड किया तो कितना आ गया, 450/100। अब मैंने मीटर को बना देना है सेंटीमीटर, क्योंकि मैं फ्रैक्शन नहीं चाहती। तो 825/100 मीटर को जब आप सेंटीमीटर बनाओगे, अब आप बताओ बड़ा कौन है, मीटर, मीटर मतलब ऊपर, सेंटीमीटर मतलब नीचे, तो ऊपर से कहाँ आना है, नीचे। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, इजी होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, मल्टीप्लाई बाय 100, सेम 675 मल्टीप्लाई बाय इंटू 100, और 450/100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, जो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया 825, ठीक है, सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें मिल गया 675 सेंटीमीटर, और यहाँ से मुझे मिल गया 450 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, पहले से मुझे 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, और यहाँ से 450 सेंटीमीटर। मतलब कुछ नहीं था, मैंने मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे साइन में लिख सकते हो, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो मतलब ऊपर से कहाँ जाना है, अब बड़ी टर्म को ऊपर रखते, सेंटीमीटर को नीचे रखते, तो ऊपर से आना है नीचे, तो ऊपर से नीचे आना बहुत ईजी होता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई, राइट, जो हम टेक्निक्स अप्लाई करते थे। अब आती है हमारे पास HCF। अब हमने हमारे पास HCF किस किस का निकालना है, लॉन्गेस्ट स्टे फाइंड आउट करना, तो HCF ऑफ 825 और 675 एंड 450, इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो वही बात है, तीन है तो हमने पहले दो ले लेने हैं, तो फर्स्ट टू मैंने ये ले लिए, तो पहला आ जाएगा मेरे पास HCF ऑफ किस किस का निकाल रही हूँ मैं, 825 एंड 675, इन दोनों का HCF मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले HCF ऑफ 825 एंड 675 का, दोनों में बड़ा कौन है, 825, तो 825 बीच में आ गया और 675 साइड में। क्लियर हो गया। अब वही बात है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, 6, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 6 1 6, 6 2 12, मतलब 2 पे बड़ा हो रहा है, तो कितने से जाएगा ये, 1 से, तो ये 1 से जब 675 को मल्टीप्लाई करोगे तो 675 ही आएगा, माइनस 5 5 0 कैरी किया, 12 7 5, और 7 6 1। क्लियर। अभी भी मुझे रिमाइंडर कितना, 0 नहीं आया, तो इसका ये बन जाएगा डिवाइजर, और सेंटर में कौन आ जाएगा, 675। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 का टेबल कब तक बोलेंगे, 6 तक, पर 6 में तो बड़ा हो जाएगा, हम इसको कितने से करके देखते हैं, पहले 2 से फिर 3 से। अब जैसे पहला है तो मैंने 3 से करके देखा, 150 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0 3 5 15, 1 कैरी, 3 1 4, 450, अभी भी छोटा ही रह गया,
तो हम इसको फाइव से करके देख लेते हैं पहले। फाइव से ये बड़ा हो गया, तो कितने से गया ये, हम फाइव के बाद हम चेक करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय फोर, यस फोर से जा रहा है, तो हम इधर फोर से जाएगा ये, 4 0 0 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, आ गया 600 माइनस 5 7, 6 माइनस 6 0, अभी भी रिमाइंडर मेरे पास कितना है, 0 नहीं आया, तो ये बन जाएगा मेरे पास डिवाइजर, और सेंटर में कौन आ जाएगा, 150, तो 7 का टेबल तब तक जब तक मुझे 115, देखो यहाँ से फर्स्ट डिजिट, यहाँ से फर्स्ट, लेकिन ये क्या हो गया, 1 तो 7 से छोटा हो गया, तो इसके साथ ज्वाइन कर लो कौन, 15 को, अब 7 का टेबल तब तक जब तक 15 ना मिले, तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 21 तो बड़ा हो गया, तो उससे पहले मुझे क्या मिला, 14, कितने पे मिला, 2 पे, तो 7 2 5 10, 1 carry 2 7 14, 1 15, 150 आ गया जी आंसर, रिमाइंडर 0, किसने इसको 0 किया, किस टेबल ने इसको 0 किया, तो उसको किसने 0 किया, 75 ने, तो 75 आ गया मेरे पास, इन दोनों का मेरे पास क्या आ गया, SCF कितना आ गया, 75, अब मैंने क्या करना, 75 और बचा कौन था ये, तो 75 और 450 का SCF फाइंड आउट करना है, ठीक है मेरे पुत्र, तो मैं यहाँ लिख लूँगी SCF ऑफ 75 एंड 450, अब वही बात है, दोनों में बड़ा कौन है, 450, और कितने से जाएगा ये, 75 से, अगेन फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट, पर लेकिन 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो इसके साथ किसको ज्वाइन कर लेंगे, 5 को, तो 45, 7 का टेबल तब तक बोलो जब तक 45 ना मिल जाए, तो कितने हो गए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6, कितना हो गया, 42, 7 7 49, 49 तो बड़ा हो गया, उससे पहले कितने से गया है, 6 से, मल्टीप्लाई करके देखिए, तो मैंने साइड में जब मल्टीप्लाई किया तो 75 मल्टीप्लाई बाय 6, यस सीधा कितने से चला गया ये, 6 से चला गया ये, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 450 जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो किसने इसको 0 किया, किस में इतनी पावर थी, तो पावर किस में थी, 75 में थी, तो SCF क्या आ गया, SCF ऑफ किस किस का, A25, 675 एंड 450, तो कितना आ गया, 75, तो देयरफोर क्या निकालना था हमने, लॉन्गेस्ट टेप, देयरफोर द लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप कितनी आ गई, 75, अब मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, पर लेकिन जब क्वेश्चन आपको मीटर में दिया गया है ना मेरा पुत्र, तो आपको आंसर भी मीटर में ही फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, मीटर में, अब वही बात है, सेंटीमीटर छोटा है तो नीचे है, मीटर बड़ा है मतलब मीटर बड़े को ऊपर रखते तो ऊपर है, तो नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर, और ऊपर चढ़ना होता है डिफिकल्ट, तो डी से डिफिकल्ट, डी से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 75, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, क्लियर, तो क्या बन गया, 2 0 1 2, तो यहाँ से 1 2, तो 2 डिजिट्स पहले लग जाएगा पॉइंट, तो 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है मेरा पुत्र, तो ये था आपके पास लेंथ ऑफ टेप, आपको इतने लेंथ की टेप चाहिए जो इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकती थी, आपको रूम की लेंथ दी थी, ब्रेड दी थी, हाइट दी थी, आपने लेंथ निकाली, ब्रेड निकाली, हाइट निकाली, पहले वो तो डेसिमल में थी, तो डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, तो हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में उसका डेसिमल रिमूव हो गया, फिर बाद में हमने क्या किया, उसका जस्ट ऐसे फाइंड आउट किया, ठीक है, ओके। Now students, we have question number 8. There are 312 mango bite toffee, 260 eclairs and 156 coffee bite toffees in a box. There are to be put in packet so that each packet contains the same number of toffees. Find the maximum number of toffees in each packet. मेरा बेटा देखो, maximum मतलब सीधी सीधी बात clear होगी, highest, maximum, ठीक है, largest है ना, greatest, तो इसका मतलब सीधा सीधा clear हो रहा है कि हमने find out करना है SCF. क्या find out करना है, हमने SCF find out करना है, ठीक है. अब हमने क्या किया मेरा बेटा, जब हमें पता है कि ऐसे फाइंड आउट करना है, तो अब हमने क्या किया, 3 पैकेट्स दिए गए, हमने क्या किया मेरा पुत्र, सारी पैकेट्स, सारी टॉफीज थी हमारे पास, एक्लेयर्स भी थी, कॉफ़ी बाइट भी थी हमारे पास, और मैंगो बाइट भी थी. अब मैंने क्या किया मेरा बेटा, 312 मैंगो बाइट थी,
260 एक्लेयर्स थी और 156 कॉफी पाई थी, मैंने सबको मिक्स कर दिया और तीन पैकेट रख दिए अपने सामने, ठीक है। अब मैंने इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज डालनी है उन तीनों पैकेट्स में, ठीक है। बट लेकिन ये तो सम है, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता, जब मैक्सिमम है तो सीधी सीधी बात पता चल रही है कि हमने एस सी एफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्लियर हो जाता है, हमने स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मैंगो बाइट टॉफीज इक्वल टू 312, नंबर ऑफ एक्लेयर्स टॉफी इक्वल टू 260, नंबर ऑफ कॉफी बाइट्स टॉफी इज इक्वल टू 156, क्लियर है। तो देयर फोर एस सी एफ निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब एस सी एफ 312, 260 एंड 156। तो पहले अब तीनों का एस सी एफ निकालना, तो तीनों में से पहले हम दो को ले लेते हैं मेरा पुत्र। तो एस सी एफ ऑफ 312 एंड 260, इन दोनों का एस सी एफ निकाल लेंगे। अब दोनों में बड़ा कौन है, 312 तो सेंटर में आ गया और 260 यहाँ पे। तो 261 से 260 जब माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, 52। अभी भी मेरे पास रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं आया, तो इसको बना दिया मैंने डिवाइजर और ये आ गया सेंटर में। तो कितने से गया ये, 5 से, तो 260 आ गया, तो मेरे पास 52। किसने इसको जीरो बनाया, किसने इन दोनों नंबर को जीरो बनाया, तो ये 52 ने बनाया। तो एस सी एफ आ गया 52। तो मेरे पास एक 50 इन दोनों को सॉल्व करके 52 आ गया और यहाँ से मुझे मिल गया 156। तो मैं निकालूंगी एच सी एफ ऑफ 52 एंड 156। जब मैंने इसको डिवाइड किया, दोनों में बड़ा था 156 तो सेंटर में आ गया, और 52 से गया तो यहाँ पे 156 आ गया, तो जीरो। तो किसने इसको जीरो बनाया, किसने बनाया जीरो, 52 ने। तो देयर फोर मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज इन ईच पैकेट इक्वल टू 52। मेरा पुत्र मतलब हर पैकेट में हम 52 टॉफीज डालेंगे, जिससे कि तीनों पैकेट्स में इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज आ जाए, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया था मेरे बेटे, जैसे हम शॉप में गए 312 में, वहाँ से क्या लेके आ गई, 312 टॉफीज में वहाँ से मैंगो बाइट लेके आ गई, फिर मैंने 260 एक्लेयर ली और मैंने कॉफी बाइट ले ली 156। फिर मैंने सपोज तीन पैकेट की जगह तीन डिब्बे ले लिए, सपोज मैं चाह रही थी कि मैं इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज इन तीनों बॉक्सेस में डाल दूँ, ठीक है। अब तीनों नंबर में कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो मुझे पता था कि हर एक बॉक्स में कितनी मैक्सिमम नंबर कितनी आनी चाहिए। तो मैक्सिमम मतलब एससीएफ, मैंने तीनों का एससीएफ फाइंड आउट कर लिया और एससीएफ से एंड में मुझे क्या मिला, 52। तो मतलब हर एक बॉक्स में कितनी टॉफीज आएंगी, 52 52 52। तो तीनों बॉक्सेस में 52 52 52 बॉक्स आएंगी, ठीक है। तो मेरा पुत्र ये जो आपकी वर्कशीट थी एससीएफ से रिलेटेड थी, और आपने क्या करना है, ये जो सम है इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।